आपके सामने लिखा हुआ भी है, आपको दिख भी रहा होगा क्या है कि बजट एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक होता है आज सभी की लाइफ का कि बजट। आप सुनते भी होंगे कि घर में हम बात करते हैं, अगर हमारे नॉर्मली फैमिली की भी बात करें कि हमारे पास 1000 रुपए हैं या फिर 2000 रुपए हैं, तो हम उसमें से क्या सोचते हैं कि हमारे इतने तो एक्सपेंसेस हो जाने हैं और इतने हमारी सेविंग हो जानी है, या फिर इतने हमारे एक्सपेंसेस हैं, इतनी सेविंग है, और उसमें से हम ये देखते हैं कि हमारी इनकम कितनी है। इनकम हमारी 2000 है, उसके बाद देखते हैं कि एक्सपेंसेस कितने हैं। इन दोनों के मेल को क्या कहते हैं? बजट। तो हमने एक ही परिभाषा में पढ़ लिया है, टोटल आय और व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता है? बजट। तो ये तो हो गई हमारी बजट की बात। तो देखेंगे आज बजट से। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 2020 का बजट तो अभी पास भी नहीं किया गया, मैंने वीडियो कैसे बना दी है? तो गाइस, वीडियो बनाने का पर्पस 2020 का बजट पढ़ाना नहीं है, मेरा पर्पस है इस बार का कि हमें बजट से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस देख के चलने हैं कि बजट कब बना, कब स्टार्टिंग में बजट आया। तो देखेंगे जैसे जैसे आप वीडियो देखते चलेंगे, क्वेश्चंस पे आएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि पर्पस क्या था वीडियो बनाने का। और होप्स हो कि आपके एग्जाम में से बाहर कुछ ना हो। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि परिभाषा, ठीक है, हर एक चीज को जानने से पहले उसकी डेफिनेशन जानना जरूरी हो जाता है। तो देखेंगे क्या है कि बजट होता क्या है। ठीक है, बजट होता क्या? भविष्य के लिए की गई वह योजना, मतलब एक ऐसी प्लानिंग फ्यूचर के लिए जो पूरे साल की, जो क्या है, पूरे साल की राजस्व व अन्य आय तथा खर्चों का अनुमान लगाती है। मतलब आपको सिंपल सी लैंग्वेज में याद रखना है, भविष्य के लिए कोई ऐसी प्लानिंग जिसमें क्या देखा जाए, इनकम देखी जाए प्लस एक्सपेंडिचर देखे जाए। ठीक है, वो क्या होती है? बजट। हम अपनी आम जिंदगी से भी जोड़ सकते हैं, अपने घर से भी रिलेटेड, अपने फैमिली से रिलेटेड भी बजट को जोड़ सकते हैं। हम भी तो कहते हैं ना कि इस बार हमारा बजट नहीं है। ठीक है, घर में नहीं बोला जाता कि मुझे एक आईफोन चाहिए तो घर वाले पापा बोलेंगे कि नहीं, इस बार हमारा बजट नहीं है। ठीक है, तो ये होता है बजट, जिसमें आय और खर्चों का अनुमान लगाकर बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये एक इमेज आई है, क्योंकि मैं हमेशा क्वेश्चन इमेज को लेके कर आती हूँ। अब आपको लग रहा होगा कि ये बजट से ये क्या कर दिया है। तो ये है हमारी निर्मला सीतारमन जी, जो पहली महिला वित्त मंत्री हैं, जो पूर्ण रूप से इससे पहले इंदिरा गांधी रह चुकी हैं, लेकिन इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए क्या बनी थी? वित्त मंत्री बनी थी। तो पहली महिला जो पूर्ण रूप से वित्त मंत्री बनी है वो है निर्मला सीतारमन जी। और इस बार बजट भी उन्होंने पेश किया था, 2019 वाला, 2020 वाला बजट भी ये पेश करने वाली है। ठीक है, तो परिभाषा जान लिया, आगे चलते हैं। आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है गाइस? मैं क्वेश्चन नहीं लेके आई हूँ आज आपके लिए, क्वेश्चन नहीं लेके आई हूँ, मैं पॉइंट लेके आई हूँ। तो पॉइंट देखना है, बजट शब्द कहाँ से लिया गया? हर एक वर्ड कहीं ना कहीं से तो लिया जाता है ना। तो देखेंगे बजट शब्द हमारा कहाँ से लिया गया है। तो बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बोगेट से लिया गया है। क्या है? बोगेट। अब बोगेट का मतलब क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है, बोगेट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है, किस तरीके का होता है? इस तरीके का। आपने देखा होगा जब भी हमारे वित्त मंत्री बजट पेश करते थे तो क्या लेके आते थे? चमड़े का थैला लेके आते थे। क्योंकि गाइज, जब ब्रिटिश शासन में हमारे यहाँ बजट पेश हुआ था स्टार्टिंग में, तो जो वित्त मंत्री थे वो चमड़े का थैला लेके आए थे। तब से एक परंपरा चलती आ रही है कि बजट जो है चमड़े के थैले में आता है। लेकिन 2019 में उसे चेंज भी किया गया। आपने देखा होगा निर्मला सीतारमन जी के हाथ में एक रेड कलर की फाइल टाइप में थी, तो हमारे पास क्या नहीं था? चमड़े का थैला नहीं था। ठीक है, अब की बार तो क्या है इसका? चमड़े का थैला। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। तो इसका मतलब है कि संविधान में जो बजट वर्ड पढ़ते हैं हम, इसका उल्लेख नहीं है। तो क्या है? आर्टिकल 112 में बजट को वार्षिकीय वित्त विवरण, इसका मतलब हम जो बजट बोलते हैं वो रियल में संविधान में उसका कोई उल्लेख ही नहीं है। तो संविधान में क्या है? आर्टिकल 112 में बजट को क्या बताया गया? वार्षिकीय वित्त विवरण नाम दिया गया। ठीक है गाइज, तो देखेंगे, चलिए बजट। अब एक क्वेश्चन बनता है तुरंत से माइंड में, मतलब बजट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन देख के चलने हैं फर्स्टली। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है, बजट बनता कौन सी निधि से? तीन निधियां होती है, संचित होती है, लोक लेखा निधि होती है, ठीक है, आकस्मिक निधि होती है। तो बजट कौन सी निधि से बनता है? तो गाइज, बजट बनता है हमारा संचित निधि से। और संचित निधि का आर्टिकल होता है 266A आर्टिकल में है संचित निधि। चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, बजट से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट तथ्य पढ़ने हैं। तो क्या है कि भारत का पहला बजट, हमेशा हम चीजें पढ़ते हैं वर्तमान और सबसे पहली। तो भारत का पहला बजट कब तैयार किया गया? 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जेम्स विल्सन। और हमारे उस टाइम पे गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था उनका? लॉर्ड कैनिंग हमारे गवर्नर थे। उनके समय जेम्स विल्सन वित्त मंत्री थे। 1860 में भारत का पहला बजट पेश किया गया। तो ये तो बात हो गई 1860 की, लेकिन देश आजाद हुआ था 1940
1947 में। तो देखते हैं गाइस, स्वतंत्र भारत का, इंडिपेंडेंट भारत का पहला बजट कब पेश किया गया, तो वो किया गया था 1947 में। उससे पहले देख लेते हैं जिसने भारत का पहला बजट पेश किया था 1816 में, जेम्स विल्सन में। उनकी इमेज क्या है, तो ये है जेम्स विल्सन। और नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में आर के सरमुख सेट्टी जी ने किया था। आपको इस तरह से याद रखना है, किसने किया था, सेट्टी ने। अब सेट्टी कौन थे, तो ये इनकी इमेज हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं कि पहला गणतंत्र बजट, मतलब जो 26 जनवरी 1950 को पेश किया गया था बजट, वो कौन सा था, मतलब 1950 को जो पहला, अब ये नहीं था कि 26 जनवरी को किया गया था, वो मेरा मतलब ये नहीं है, लेकिन जो गणतंत्र तो होने पर, जो भारत गण रिपब्लिक बना था, तो उसके बाद जो बजट पेश किया गया था वो किसने किया था, 1950 में जॉन मथाई ने, जो कि स्वतंत्रता का पढ़ लिया तो गणतंत्र वाला भी पढ़ लेना है, ठीक है। तो किसने, जॉन मथाई, तो ये है जॉन मथाई जी। नेक्स्ट देखते हैं सबसे ज्यादा बार किसने बजट रखा, तो यही चीजें तो होती है सब, वर्तमान वाले सबसे पहला, उसके बाद स्वतंत्रतावाद का, गणतंत्र वाला, और एक है सबसे ज्यादा बार किसने बजट रखा, तो वो था मोरारजी देसाई ने रखा था। किसने रखा था, मोरारजी देसाई जी ने, कितनी बार रखा था, 10 बार, ठीक है। उनकी भी इमेज सामने, शायद मेरे पीछे थोड़ी कवर ना हो गई हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देखेंगे प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए वित्त मंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे थे और वित्त मंत्री भी, तो ऐसे कौन कौन से व्यक्ति थे, तो उन पर्सनलिटी को भी हमें देख लेना। तो फर्स्ट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये प्राइम मिनिस्टर भी थे और प्लस क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। सेकेंड इनकी इमेज देख लेते हैं, ये है पीटी जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें बच्चे चाचा के नाम से बुलाते हैं, क्या बोलते हैं, चाचा नेहरू के नाम से बुलाते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री भी रहे। सेकंड थी उन्हीं की पुत्री थी, उन्हीं की डॉटर थी और प्रधानमंत्री भी रही थी इंदिरा गांधी, और वो क्या थी, पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी और पहली महिला क्या थी, वो प्रधानमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री थी। लेकिन निर्मला सीतारमन जी डिफरेंट क्यों है उनसे, उनका उनमें अंतर ये है क्योंकि वो पूर्ण रूप से वित्त मंत्री थी, लेकिन ये प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हमेशा क्रिएट रहता है क्योंकि स्टूडेंट तुरंत से बोलते हैं कि इंदिरा गांधी पहली थी, इंदिरा गांधी पूर्ण रूप से वित्त मंत्री नहीं थी, वो प्रधानमंत्री पद पर भी थी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी की इमेज देख लेते हैं, ये है इंदिरा गांधी जी। और अब देखते हैं राजीव गांधी, जो किसके बेटे थे, इंदिरा गांधी जी के पुत्र थे, तो राजीव गांधी, तो राजीव गांधी भी ऐसे एक प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए वित्त मंत्री भी, बहुत इजीली याद भी हो जाएगा, इनकी खुद की जनरेशन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी बेटी इंदिरा गांधी और उनका पुत्र राजीव गांधी। इसके अलावा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री रहते रहते क्या बने हैं, वित्त मंत्री भी। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपके सामने बजट, ठीक है। अब बजट, अब देखते हैं बजट की, बजट कौन कौन से होते हैं। एक तो देखे होंगे, अब ये तो नहीं है ना गाइस कि अगर भारत का बजट पेश हो रहा है तो भारत का सिर्फ एक ही बजट पेश होता है, यूपी का अपना अलग से भी तो एक बजट पेश होता है, मध्य प्रदेश का अलग होता है, तेलंगाना का, मतलब हर एक स्टेट का भी अपना एक बजट होता है। तो जो केंद्र का बजट होता है, जिसे निर्मला सीतारमन जी पेश करती हैं पूरे भारत के लिए, तो वो होता है केंद्र सरकार का बजट, वो होता है आर्टिकल 112 में, जिसे कहा गया है वार्षिकी वित्त विवरण, बजट को कहा गया है। और बात करते हैं कि राज्य सरकारें, जितने भी राज्य होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे राज्य हैं, तो राज्यों के अलग अलग उनके राज्य के वित्त मंत्री, ठीक है, उन्हीं राज्य के वित्त मंत्री, राज्य में तो वित्त मंत्री होते हैं, तो वो क्या करते हैं, राज्य सरकार का बजट पेश करते हैं। उसे किसमें क्या नोट किया गया है, आर्टिकल 202 में, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 202 में राज्य सरकार के बजट का जिक्र किया गया है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बजट का पेश होना। अब एक बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि बजट तो हमें समझ आ गया कि बजट क्या है, बजट क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर का टोटल क्या होता है, ब्योरा होता है, लेकिन बात आती है कि बजट का पेश होना, कि बजट पेश किस तरीके से होता है, ये भी तो दिक्कतें होती है, लोकसभा में जाता है किस तरीके से जाता है, तो हमारे मन में ये मतलब दिक्कतें होती है। तो बजट को अगर हम देखेंगे गाइज, जो बजट होता है हमारा, जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति महोदय उसे कहाँ रखवाते हैं, लोकसभा में रखवाते हैं, ठीक है, लोकसभा में। और लोकसभा के सामने मैंने आपको याद करने का नॉर्मल सा परफॉर्मा बना दिया है आपके सामने इसी तरीके की, इसलिए मैं इमेज भी इस तरह से लेके आई हूँ आपके सामने। सबसे पहले राष्ट्रपति रखवाता है लोकसभा में, और लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में उसे मतलब पहले तो बजट बन जाता है, अब ये नहीं कि राष्ट्रपति बनाएगा, उसे कौन बनाएगी, वित्त मंत्रालय में हमारे बजट पे बनता है, उसके बाद क्या होता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति लोकसभा में उसे भेजता है, और लोकसभा जो हमारा निम्न सदन है वो सामान्य बहुमत से पास करता है, पास होने के बाद बजट जाता है राज्यसभा में, और राज्यसभा को वो 14 दिन में पास करना होता है, क्या होता है, 14 दिन में, अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो 14 दिन के अंदर अंदर बजट पास हो जाना चाहिए, उसके बाद
और नेक्स्ट टर्म होती है कि फिर से वापस लोकसभा में जाता है, राज्यसभा जैसे ही पास करेगी फिर वो उसे लोकसभा में भेज देगी, लोकसभा उसे पुनः पास करेगी और उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उस पर अपनी अंतिम मोहर लगाएगा। क्या करेंगे, अंतिम मोहर लगाई जाती है। अंतिम मोहर लगाने के बाद में जो राष्ट्रपति है वित्त मंत्री से, जो निर्मला सीतारमन जी थी, उनसे संसद में बजट को रखवाएंगे। ठीक है, तो ये होती है बजट के पेश होने की प्रक्रिया। सबसे पहले बजट बनाया जाता है, उसे राष्ट्रपति को दिया जाता है, राष्ट्रपति वहां से लोकसभा के पास, लोकसभा सामान्य बहुमत से पास करेगी, फिर राज्यसभा पहुंचेगा, 14 दिन में पास हो जाना चाहिए। उसके बाद में लोकसभा पुनः पास करेगी, फिर राष्ट्रपति अंतिम मोहर लगाएगा, उसके बाद वित्त मंत्री संसद में रखवाएगा। ठीक है, तो चलेगा गाइस, ये हो गया बजट का पेश होना। नेक्स्ट देख लेते हैं कब पेश किया जाता है। सामान्यतः फरवरी की आखिरी तारीख को किया जाता है, सामान्य जो बजट होता है आखिरी तारीख को, ठीक है, 28 या 29 फरवरी को या फिर उसके लास्ट वाले वीक में। लेकिन 2017 से बजट 1 फरवरी से पेश किया जा रहा है। 2017 में पहली बार ऐसा हुआ था कि 1 फरवरी को बजट पेश कर दिया गया था, ठीक है, और भी जल्दी। तो इसका मतलब है कि सरकार का पूर्ण बहुमत है, ठीक है, पूर्ण बहुमत है, तो इजीली उन्होंने पास करा लिया बजट को और जल्दी से पेश कर दिया है। ठीक है, और ये है मतलब हमारे बजट की एक इमेज बनानी है मैंने आपके सामने में। चलिए देखते हैं बजट के प्रकार की, बजट कितने प्रकार के होते हैं। तो बजट होते हैं गाइस हमारे 3 प्रकार के, अंतरिम बजट, लेखा अनुदान और अनुपूरक बजट। इन्हें भी अलग अलग से पढ़ लेंगे, आपको ये कंफ्यूजन में नहीं आना है कि मैडम ने ये तो बता दिया कि बजट कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं ये नहीं बताया, तो मैं वो भी बता दूंगी, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी। चलिए, तो लेखा अनुदान के लिए स्पेशली लिखा है आर्टिकल 116, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अंतरिम बजट क्या है। गाइज ये छोटे समय के लिए पेश किया जाता है, खासकर चुनाव में। अब आपने देखा होगा कि अभी कुछ टाइम पहले बजट पेश हुआ था, वो कौन सा हुआ था, अंतरिम बजट। आप न्यूज पे सुनते होंगे इंटरिम बजट पास हो रहा है, इंटरिम बजट पास हो रहा है, तो वो होता क्या है, वो छोटे समय के लिए पेश किया जाता है। मान लीजिए चुनाव है, अब नरेंद्र मोदी जी ने निर्मला सीतारमन जी से कोई बजट पेश करा दिया लेकिन वो हार गए, कांग्रेस की सरकार आ गई, तो वो उस बजट को क्यों मानेगी। तो इसलिए क्या होता है, जब चुनाव होते हैं, वोटिंग होती है, तो उस टाइम पे एक बजट छोटे टाइम के लिए पेश किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अंतरिम बजट। तो जब भी चुनाव होने वाले होते हैं तो बजट पेश होता है, वो कौन सा होता है, इंटरिम बजट। बिल्कुल रट लेना है, छोटे समय के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने लेखा अनुदान। लेखा अनुदान आर्टिकल बताया था, आर्टिकल 116 है, और इसे क्या बोलते हैं, वोट ऑन अकाउंट। अब ये क्या है, जब तय समय सीमा में, मान लीजिए फरवरी में बजट पेश होना था, फरवरी में बजट पेश होना था लेकिन किसी कारणवश बजट पेश नहीं हो पा रहा है, तो क्या करते हैं उसके लिए हम, कि बजट पेश नहीं हो तब सरकार बजट का कुछ हिस्सा एडवांस में दे देती है। मान लीजिए कि 10 करोड़ का बजट पेश होना है या कुछ अभी क्लियर नहीं है लेकिन बजट पेश नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे कि हम 5 करोड़ या फिर 6 करोड़ कुछ के मतलब कुछ हिस्सा पहले ले लेते हैं, जिससे हमारी वित्तीय व्यवस्था बनी रहती है। ठीक है, हम घर में भी तो यही करते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, मान लीजिए कोई बजट नहीं बन पा रहा है इस बार, तो किसी से उधार ले लेते हैं, पहले ले लेते हैं कि हम बाद में दे देंगे जब हमारी सैलरी मिल जाए, यही तो होता है, वही होता है लेखा अनुदान। ठीक है, और लास्ट है हमारा अनुपूरक बजट। तो अनुपूरक बजट क्या होता है, जब बजट से योजनाएं पूरी ना हो पाए, जब मतलब मान लीजिए इस बार हमारा 110 करोड़ का बजट बना, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने सिर्फ, 110 करोड़ का बजट बना लेकिन जो हमारी योजनाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाई, वो लगभग 115 करोड़ की हैं, तो क्या करेंगे गाइस, अतिरिक्त धनराशि के लिए अनुपूरक बजट, जो 5 करोड़ की धनराशि है या इससे एक्स्ट्रा में है, उसके लिए बजट पेश किया जाता है, उसे कहते हैं अनुपूरक। तो अब भूलना नहीं है, अंतरिम बजट चुनावों के समय पेश किया जाता है, और वोट ऑन अकाउंट लेखा अनुदान तब पेश किया जाता है जब क्या होता है, जब तय समय सीमा में बजट पेश ना हो पाए। ठीक है, अनुपूरक बजट तब होता है जब बजट से योजनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रकार बजट के। अब देखते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट में क्या कहा गया है गाइस, रेल बजट में आम बजट। आपने पहले सुना होगा कि इस बार रेल बजट पास हो गया, अब आम बजट हो गया, तो पहले क्या था कि रेल बजट और आम बजट को अलग अलग पेश किया जाता था। तो क्या था गाइस, एक्वर्थ समिति की सिफारिश, एक समिति बनाई गई थी, आपसे पूछा जाता है कि किस समिति की सिफारिश पर, पहले क्या था स्टार्टिंग में 1924 से पहले था कि रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया जाता था, लेकिन एक समिति बनाई गई, एक्वर्थ समिति, वो बनी थी 1924 में। उसमें क्या किया गया, रेल बजट व आम बजट को बिल्कुल अलग अलग कर दिया। रेल मंत्री जो था रेल बजट पास करते थे, रेल मंत्री, और आम बजट को करते थे वित्त मंत्री पास। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1 फरवरी में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रेल बजट को आम बजट से जोड़ दिया था। क्या किया था, रेल बजट को, मतलब 1 फरवरी 2017 में। अगर डेट पूछी जाए कि कौन सी डेट को अलग अलग किया गया, तो 1924 में, और फिर से कब पुनः जोड़ा गया, तो 2017 में। अरुण जेटली हमारे वित्त मंत्री थे जो अब नहीं रहे हैं, ठीक है, उनका उनका निधन हो चुका है। तो उसमें क्या था, 1 फरवरी 2017 को क्या किया गया था, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रेल बजट को आम बजट से जोड़ दिया है। ठीक है, अब आपस में अब सब एक साथ पेश होता है। और हम बात करते हैं कि
ऐसा कौन सा मतलब कौन से रेल मंत्री थे, क्योंकि मैंने कहा है रेल बजट कौन करते थे, रेल मंत्री पास, तो ऐसे कौन से रेल मंत्री रहे होंगे जिन्होंने लास्ट बार रेल बजट पास किया था, क्योंकि अब तो निर्मला सीतारमन जी ही करेंगे, वित्त मंत्री हैं वो, तो दोनों बजट को एक साथ मिला के कर दिया गया है। तो सुरेश प्रभु, ठीक है, आपने सुना होगा सुरेश प्रभु रेलवे मंत्री रहे हैं हमारे भूतपूर्व, तो सुरेश प्रभु अंतिम रेलवे मंत्री थे जिन्होंने रेल बजट पास किया था। क्लियर है सभी को? चलिएगा गाइस नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके सामने बजट है, बजट होता क्या है इजीली बता चुकी हूँ, टोटल इनकम और प्लस के टोटल एक्सपेंडिचर और इनकम मिलके क्या बनता है बजट। अब बात कर लेते हैं कि बजट में क्या क्या होते हैं। इनकम होती है, एक्सपेंडिचर होते हैं। इनकम कौन कौन सी होती है, तो गाइस इनकम होती है रिवेन्यू इनकम और हमारी होती है कैपिटल इनकम, और रिवेन्यू एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंस। अब थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी रिवेन्यू में हो रही होगी, चलिए देख लेते हैं रिवेन्यू के लिए भी। तो गाइस रिवेन्यू इनकम होती है, यह पैसा सरकार को वापस नहीं करना होगा। रिवेन्यू इनकम मान लीजिए जो सरकार ने हमसे टैक्स वसूला है उसे सरकार को वापस नहीं करना होगा, तो वो होती है रिवेन्यू इनकम। ठीक है, अब एक इनकम तो ये भी है, इनकम तो हमारी ये भी है, लेकिन कौन सी इनकम है, यह पैसा सरकार को वापस करना होगा। जैसे LIC का पैसा है तो वो सरकार को वापस करना होगा, ठीक है, सरकार का इससे अगर सरकार नहीं करेगी तो सरकार की लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब इधर बात कर लेते हैं एक्सपेंडिचर की, और गाइस थोड़ा सा देख लेते हैं कि टैक्स, टैक्स होते हैं हमारे दो, मतलब टैक्स में भी एक तो टैक्स से वसूला जाता है, एक नॉन टैक्स, टैक्स होते हैं दो तरीके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके साथ में कि यहाँ पे रिवेन्यू सॉरी एक्सपेंडिचर के लिए रिवेन्यू एक्सपेंसेस, अगर रिवेन्यू इनकम कौन से थे जो पैसा सरकार को वापस नहीं करना है, और इसमें क्या है जिससे सरकार को कोई लाभ न हो, ऐसे खर्चे जिससे खर्चे का तो कर रही है सरकार लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा है। मान लीजिए जैसे रिपेयर, ठीक है, मान लीजिए कोई भी बिल्डिंग है उसकी रिपेयर होनी है या कोई भी है लेकिन उससे सरकार का लाभ नहीं हो रहा है, एक्सपेंसेस तो कर रही है सरकार। नेक्स्ट है कि कैपिटल एक्सपेंसेस, अब है ये पूंजीगत व्यय है जिससे सरकार को लाभ हो, ऐसे व्यय जिनसे सरकार को पूरी तरीके से लाभ हो रहा हो, जैसे परचेज आप प्रॉपर्टी, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी खरीदी है, परचेजिंग की है, तो वहां सरकार को लाभ तो होगा, वहां एक्सपेंसेस तो किया है लेकिन उसने एक्सपेंसेस ना करके इन्वेस्ट कर दिया है, एक ऐसी बिल्डिंग परचेज की है जिससे सरकार को भावी आने वाले समय में फायदा होने वाला है। ठीक है, तो गाइज ये था हमारे बजट से रिलेटेड क्वेश्चन, हम सभी कुछ देख चुके हैं। अगर कोई भी दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा से मतलब देख सकते हैं बार बार से, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बजट से रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, और बजट 2020 का जैसे ही बजट पास होगा मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो आपको लेके आऊंगी, 100% श्योरिटी देती हूँ मैं आपको, और उसमें भी हम ऐसा कुछ नहीं छोड़ के चलेंगे। तो आज का क्वेश्चन हमारा बजट 2020 के लिए नहीं था, आज का क्वेश्चन था सिर्फ हमारा किसके लिए, कि हमारा ये क्लियर हो जाना चाहिए बजट होता क्या है, कैसे कैसे बनता है। तो आज के लिए गुड बाय गाइस, टेक केयर, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो गाइस बाय, टेक केयर।